लुधियाना एसटीएफ के इंस्पेक्टर हरवंत सिंह की अगुवाई वाली टीम ने एक लैंसर कार में सवार चार नशा तस्करों को गुप्त सूचना के आधार पर काबू करके उनके कब्जे से 2 किलो 20 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी अलग अलग जगहों से बड़ी तादाद में हेरोइन लेकर आए थे और दोराहा से होकर लुधियाना की ओर आ रहे थे। सूत्रों के अनुसार पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ 20 लाख के आसपास आंकी जा रही है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए एआईजी स्नेहदीप शर्मा ने बताया कि उनकी टीम ने टिब्बा नहर पुल के निकट विशेष नाकाबंदी की थी और गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त आरोपी दोराहा में आए हुए हैं और वहां से होते हुए लुधियाना की ओर इन लोगों को जाना था, जिसके आधार पर लैंसर कार में सवार आरोपियों को रोका गया और उक्त बरामदी की गई। एक आरोपी फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों पर पहले भी नशा तस्करी के आरोप में केस दर्ज है। काबू किए गए आरोपियों में से 2 सगे भाई हैं। आरोपियों के पाकिस्तान के साथ भी संबंध सामने आए हैं, जिनसे आगे की पूछताछ जारी है। एसटीएफ रेंज दी टीम ने जो बड़ा अच्छा काम किया, काफ़ी चिर तो 5 आदमियों का एक गैंग जड़ा सीगा समगलिंग के धंधे च लगा हुआ सीगा, जिन्हों के तार जड़े है बॉर्डर और जम्मू कश्मीर के एरिए दे समगलर से जुड़े हुए सन, तो भारी मात्रा च हैरोइन लिया के किलों की मकदार च लिया के इस इलाके नूं सप्लाई करते सन। सो कल कामयाबी मिली, असी लांसर कार जी कि बड़ी नटोरियस सी इस एरिए दे विच कि भी एक कार यूज़ होंदी है, असी वह कार समेत जेडे ये 5 बंदे 4 बंदे गिरफ्तार कर लेने, एक भज्या होया और 2 किलो 20 ग्राम हैरोइन इन्हों को बरामद की गई है। और इस एरिए दे विच जी एक मेजर सप्लाई लाइन सी जी ब्रेक हुई है। दो इन्हां चो सगे भरा ने जी, परमिंदर एक और जगदेव जी, इन्हों का पहला भी 4 परचे दर्ज ने NDPS से। काफ़ी जी 5-7 साल तो इस काम के है, लेकिन अपना एरिया जगह बदलते रहते बार बार। एक दो वेले ने जी, एक मीट की दुकान का काम करता सीगा, एक खेतीबाड़ी का करता, एक दो वेले ने जी बच्चों। ठीक है, जेडे ये पाकिस्तान के नाल जेडे समगलर ने मेन उन्होंने एसोसीएटड ने जी, नहीं सिम वगैरह नहीं मिले जी, जेडे पाकिस्तान तो समान समगल कराते ने उन्होंने उन्होंने फर्स्ट स्टेप है जी। हाँ जी, लुधियाना से प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। नेशनल 18 चैनल की और न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।